हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ PID ट्यूनिंग करने का सबसे आसान तरीका। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो बेसिकली फ्रेंड्स, PID ट्यून करने के लिए हमारे पास तीन पैरामीटर होते हैं, गेन, रीसेट और रेट। गेन को ही हम लोग प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, रीसेट मतलब इंटीग्रल और रेट मतलब डेरिवेटिव। सो बेसिकली PID ट्यून करने के लिए फर्स्ट हमें जो रीसेट और रेट मतलब जो I और D की वैल्यू है उसे ज़ीरो करना है। उसे ज़ीरो करने के बाद जो प्रोपोर्शनल का वैल्यू है उसे हम लोग हमें लोवेस्ट वैल्यू से इंक्रीज़ करते जाना है, ताकि हमें जो ग्राफ पे ऑसिलेशन मिले PV का अगेंस्ट द SP, वो ऑसिलेशन हमें कांस्टेंट मिले। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ऑसिलेशन है ये कांस्टेंट ऑसिलेशन है। सो फ्रेंड्स, जब हमें कांस्टेंट ऑसिलेशन मिलते हैं तो उस समय मुझे KU का वैल्यू मिलता है फ्रॉम ओल्ड पी, और दोनों हाईएस्ट पीक के दरमियान जो भी टाइम रहता है वहाँ से हमें TU का वैल्यू आइडेंटिफाई होता है। तो फ्रॉम दिस KU एंड TU हमें P और I का वैल्यू मिलता है, जो कि KU को मल्टीप्लाई बाय 0.45 करके और TU को डिवाइड बाय 1.2 करके, तो मेरे पास P और I का वैल्यू मिल जाता है। और जनरली हमें D एज अ ज़ीरो ही रखना पड़ता है। तो जो हमारा PID कंट्रोलर वो एज अ PI कंट्रोलर एक्ट करता है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर मुझे KU एज अ 14 मिलता है और दोनों ऑसिलेशन के पीक में मुझे 60 सेकंड का टाइम मिलता है, जो TU है, नोट करें, जो TU है वो सेकंड्स में है, तो जो PI ट्यूनिंग पैरामीटर्स हमारे ऐसे बनते हैं, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 14, तो मेरा P जो प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो 6.3 आ जाता है। और जो इंटीग्रल है, जो 60 सेकंड TU मुझे मिला था दोनों पीक के डिफरेंस, सो 60 डिवाइड बाय 1.2 मेरा 50 वैल्यू हो जाता है। सो ये जो वैल्यू है, ये बोथ वैल्यूज़ P और I में अगर PID ट्यूनिंग में अगर मैं डालता हूँ, जैसे कि कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम है, PLC या फिर DCS के DCS का कंट्रोलर में, सो मुझे ग्राफ कुछ इस तरह मिल जाता है, जो कि ऑसिलेशन फ्री रहता है और सिंपल वे में वो सेट पॉइंट को रीच कर जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। और आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, बिकॉज आई एम एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।